प्रभास की फिल्म सालार बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए इतिहास रच रही है। फिल्म ने सिर्फ साउथ रीजन में नहीं बल्कि पूरे देश भर में तहलका मचा रखा है। यहां तक कि दुनिया भर में सालार का बोलबाला नजर आ रहा है। फिल्म की कहानी और एक्शन दर्शकों का दिल जीत रही है। वर्ल्ड वाइड भी फिल्म ने धमाका कर दिया है और महज 10 दिनों की कमाई के साथ 600 करोड़ रुपए के क्लब में जगह बना ली है। ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयन ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि फिल्म ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने लिखा, सालार अपने 10वें बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए के क्लब से आगे बढ़कर निकल गई है। प्रभास साउथ इंडिया के पहले ऐसे स्टार बन गए हैं जिनकी 3 फिल्मों ने 600 करोड़ रुपए के क्लब में जगह बनाई है। प्रभास के नाम हुआ ये रिकॉर्ड। बता दें कि सालार के 600 करोड़ रुपए के क्लब में एंट्री लेने के साथ ही प्रभास ऐसे साउथ एक्टर बन गए हैं जिनकी 3 फिल्मों ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर बाहुबली है जिसने दुनिया भर में 650 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दूसरे नंबर पर बाहुबली 2 है जिसने 1788 करोड़ रुपए का दमदार कलेक्शन किया था। सालार के साथ कमाल का कमबैक, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी सालार धुआंधार कमाई कर रही है। फिल्म हर दिन करोड़ों का कारोबार कर रही है और 11 दिनों के कलेक्शन के साथ 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बता दें कि सालार प्रभास की 2023 की दूसरी फिल्म है। इससे पहले रामायण पर बेस्ड फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई थी जो की बड़े पर्दे पर फ्लॉप हो गई थी। इससे पहले फिल्म सौ भी रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी थी, लेकिन सालार के साथ प्रभास ने शानदार कमबैक किया है।